छत्तीसगढ़ में नई साय सरकार के गठन के साथ ही नक्सलियों की तो जैसे शामत ही आ गई है। प्रदेश के वनांचल क्षेत्र में तैनात जवान लगातार नक्सलियों के खात्मे में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में खबर आ रही है कि नारायणपुर के अभुजमाड़ इलाके में एक बार फिर पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि जवानों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अभुजमाड़ में पिछले 2 दिनों से जवानों और नक्सलियों के बीच घमासान जारी था। 2 दिन तक लगातार चल रही मुठभेड़ में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं एक पुलिस जवान के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। ये पूरी कार्रवाई कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर जिले के जवानों ने की है। देखा जाए तो हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मोदी जी ने देश भर से नक्सलवाद को समाप्त किया, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, बिहार हो, झारखंड हो या मध्य प्रदेश हो। मैं कहकर जाता हूं कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए और 2 साल दे दीजिए, छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। गृह मंत्री ने कहा, जब तक नक्सलवाद है तब तक आदिवासी भाई बहनों के लिए बिजली, स्कूल, राशन की दुकान देने में परेशानी हो रही है। जो भी नक्सली बचे हैं उनको कहता हूं कि सरेंडर हो जाओ, आपको फिर से प्रतिस्थापित करेंगे, नहीं तो लड़ाई का परिणाम तय है, नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। तो छत्तीसगढ़ में लगातार एक के बाद एक नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।